हम में से कई सारे लोग कहते हैं कि मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है, और ऊपर वाला अगर वाकई में है तो मेरा टाइम खराब क्यों चल रहा है। 94.3 MyFM से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार एक मेजर साहब अपने 15 जवानों की टुकड़ी को लेकर के हिमालय में चढ़ाई कर रहे थे। रात का वक्त था, ठंडी थी, ऊपर से स्नोफॉल हो रही थी। कुल मिलाकर के सिचुएशन जितनी डिफिकल्ट हो सकती थी उतनी डिफिकल्ट थी। इन्हें ऊपर की तरफ दूसरी चौकी पर पहुंचना था, वहां जो टुकड़ी थी उसको रिप्लेस करना था। 3 महीने की लिए इनकी ड्यूटी लगी थी। रात के वक्त स्नोफॉल हो रही है, कुल मिलाकर के इतनी मुश्किल में ये जब ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे थे तो सारे जवानों को और मेजर साहब को भी लगा कि अगर इस ठंड में गर्मा गर्म कप चाय मिल जाती तो मज़ा आ जाता। लेकिन इतनी ठंडी ऐसी जगह पर कहाँ चाय की दुकान मिलेगी। थोड़ा और आगे बढ़े, लगभग 1 घंटे इन्होंने चढ़ाई की तो इन्हें एक टूटी फूटी चाय की दुकान दिखाई दी। सारे के सारे लोग वहाँ पहुँचे और पहुँच करके देखते हैं कि वहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। अब सारे जवानों ने मेजर साहब की तरफ देखा और मानो ये कहना चाह रहे थे कि सर अगर आप ऑर्डर दें तो तोड़ दें ताला। मेजर साहब ने सोचा थोड़ा, उसके बाद कहा कि ताला तोड़ दो। ताला तोड़ा गया, अंदर पहुंचे, चाय बनाने का सामान था, चाय बनाई गई, बिस्किट के पैकेट्स थे, खाया पिया, सारे के सारे लोग चल दिए। जब ये लोग वहाँ से चले तो मेजर साहब को लगा कि ये गलत हो गया, मैंने किसी की दुकान में घुस करके एक तरीके की चोरी कर दी, ताला तोड़ दिया। गिल्ट होने लगे। मेजर साहब वापस 2 जवानों को लेकर के आए, अंदर गए दुकान में, चीनी का डब्बा जहाँ रखा था उस डिब्बे के नीचे 1000 रुपये रखे, वापस बाहर आए, जवानों से कहकर के जैसे तैसे उसका शटर जो था वो टिकाया, वहाँ से आगे बढ़ गए। ये वहाँ पहुँच गए जहाँ इन्हें पहुँचना था, चौकी पर। 3 महीने इन्होंने ड्यूटी संभाली, वापस आए सही सलामत, सब लोग वापस लौट रहे थे, उसी रास्ते से जा रहे थे और वही चाय की दुकान। इस बार दिन का समय था और चाय की दुकान पर एक बूढ़े बाबा थे जो चाय बना रहे थे। सब लोग वहाँ रुके, चाय पीने लगे। जो बूढ़े बाबा थे वो ऊपर वाले का शुक्रिया, भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान सब कुछ करते हैं, भगवान ये करते हैं, भगवान वो करते हैं, ऐसे ऐसे बोलने लगे। तो एक जवान ने पूछा कि बाबा आप इतना भगवान भगवान कह रहे हैं, ऊपर वाले का शुक्रिया कह रहे हैं, एक बात बताओ अगर ऊपर वाला सच में होता तो आपको इस ठंडी में पहाड़ों में चाय की दुकान लगाने में मजबूर क्यों करता। तो बूढ़े बाबा ने कहानी सुनाई, बोले कि मेरे साथ में ऐसा हुआ कि एक दिन मेरे बेटे को आतंकवादी पकड़ करके ले गए और आतंकवादियों को लगा कि मेरे बेटे के पास में इन्फॉर्मेशन है तो उसे खूब मारा पीटा। बेटे के पास इन्फॉर्मेशन थी नहीं तो अधमरा छोड़ करके उसे चले गए। अब मैं उसका इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल लेकर के गया तो मेरे पास पैसे नहीं थे और लोगों ने आतंकवादियों के डर से मुझे पैसे दिए नहीं। रात में मैं भागता हुआ यहाँ पहुँचा दुकान पर तो यहाँ देखा तो ताला टूटा हुआ है। मुझे और रोना आ गया, मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अंदर पहुँचा तो चीनी के डब्बे के नीचे 1000 रुपये रखे थे, भगवान मेरे लिए 1000 रुपये रख करके गए। ये बात सुनने के बाद सारे जवानों ने मेजर साहब की तरफ देखा और मेजर साहब ने इशारों में कह दिया कि बताना मत। मेजर साहब बाबा के पास गए, गले लगाया, जो बिल हुआ था इस बार उसका पेमेंट किया और आगे बढ़ गए। ये कहानी हमें बताती है, ये सच्ची घटना है, कहानी हमें बताती है कि हमारी ज़िंदगी में हमें खुद पर भी यकीन रखना है और उस पर भी यकीन रखना है। अगर आपकी लाइफ में वक्त अच्छा नहीं चल रहा है तो इंतज़ार कीजिए, जब आपके मन का नहीं होता तो उसके मन का होता है और वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। 94.3 MyFM पर कार्तिक आपसे यही कहेगा, मदद करते चलिए। आपको भी नहीं मालूम कब भगवान आपको किसी का भगवान बनाकर कहीं पहुंचा दे। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप MyFM सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।